अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। किसका चैप्टर नंबर 7? एनसीईआरटी 10th क्लास, जो कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भूगोल की। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की जरूरत दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाते। वस्तु तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन मूवमेंट की सुविधाओं पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को जल, स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है, ग्लोबल विलेज से बोलते हैं। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो चुका है। इसीलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था की जीवन को जीवन शक्ति दी। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। परिवहन के साधन क्या है? स्थल है, फिर जल है और वायु है। स्थल पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन, जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन और वायु में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। हम बात करेंगे परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की। तो स्थल परिवहन, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती मात्रा निम्न कारणों से है। नंबर 1, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पथों को जोड़ती हैं। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 निम्नलिखित 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखे था, इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। यहाँ देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क को परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से
पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। मतलब स्टेट की कैपिटल है और ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट को क्या करेंगे, जो जोड़ेगी इसको क्या बोलेंगे, राज्य राजमार्ग। ठीक है, सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, PWD का होता है। ये अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद आता है जिला मार्ग। जिला मार्ग ये सड़कें विभिन्न जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक ABCDEF। तो इन सबको जोड़ने वाली सड़कें क्या हैं, जिला परिषद के अंतर्गत आती। अब इनसे इसको भी जोड़ा जाएगा, इसको बी को सी से डी को ई से सारी के सारे जोड़ दी जाती हैं। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वो सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र तथा गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग का, है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये वाला पोरबंदर से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपको सिलचर तक क्या है, ये वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, आपको दिखाई दे रहेगा, ठीक, जम्मू से यहाँ तक, ये कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से फिर दिल्ली, ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, यानी स्वर्णिम स्वर्ण चतुर्भुज योजना। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यहाँ पर दी हुई होगी। बात करते हैं सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है, जिसको हम बोलते हैं BRO। ठीक है, सीमांत सड़क यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास में से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई, यानी कि ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके दृश्य से, परीक्षा की दृश्य से आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे यहाँ पर सड़क निर्माण का में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी कच्चे सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः है बारहमासी सड़कें। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। अब बात करेंगे हम रेल परिवहन की। इसके बाद रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों
में सहायक हैं, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा व लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि की तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या, घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों की विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपी भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्च उच्च विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रीय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निधि क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के सभी अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन के बाद बात करेंगे। पाइपलाइन भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़ी ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइन में द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधन शालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। एक नंबर अगर हम देखें, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंध होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंध से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। गुजरात में क्या है, हजीरा है, और यूपी में क्या है, जगदीशपुर। इन दोनों को मिला लेती है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर। देखते हैं, ऊपर में एक मैप दिया हुआ है। सबसे पहले क्या आप जानते हैं, रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों का भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें। यहाँ पर रेलवे लाइन आपको मैप एक दिखाई दे रहा होगा, भारतीय रेल मार्ग। आप थोड़ी देर पॉज कीजिएगा और इसको पूरी तरीके से देखेंगे, है ना, कैसे ये रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। यानी कि आप यहाँ पर क्या
क्या है ये, इस रीजन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको इसका रेल मार्ग कम मिलेगा, और इधर आपको अरुणाचल प्रदेश में रेल मार्ग नहीं दिखाई दे रहा होगा। बात करेंगे जल परिवहन की। जल परिवहन, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जलमार्ग गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम जलमार्ग संख्या एक है। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, जो नौगम में जलमार्ग संख्या दो है। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम में जलमार्ग संख्या तीन। काकीनाड़ा और पुद्दुचेरी नहर स्ट्रेट के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विस्तार 1,078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार। ये आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नगर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पाँच। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी जुवारी और कंबर जुवा सुंदरवन बराक केरल का पश्चिम। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्रियों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यह है 7,516.6 किलोमीटर है ना। इसमें क्या है, 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन है। यह प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया, यानी स्वतंत्रता जो हमें मिली उसके बाद कांडला सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक जौहरी पत्तन। ये इंपॉर्टेंट चीज लाइन है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। कांडला क्या है? टाइडल है ना, पोर्ट है, यानी टाइडल यानी जौहरी पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं, यानी कि ये नेचुरल हार्बर है। कौन सा? मुंबई। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमा गांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खाने से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब तो याद रखना है कि न्यू मंगलोर से आपका क्या होगा, लौह अयस्क आपके क्या होते हैं, निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, न्यू मंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय यानी तूतीकोरन क्या है, नेचुरल हार्बर है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करता है। तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषता लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी यानी रिवराइन पत्तन, यानी कोलकाता का पत्तन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि एक रिवराइन पत्तन है। ठीक है, ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषता लौह अयस्क का निर्यात करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
है। या अब बात करेंगे तो कोलकाता पतन की, या पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, यानी कि ये क्या है, टाइडल भी है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कौन कौन सा टाइडल है, ये आप नोट कर लीजिए। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु तो हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, यानी कि हल्दिया क्या है, इसको विकसित किया गया है, ये माइंड मेड है। अब बात करेंगे हम वायु परिवहन की। आज वायु परिवहन तीव्रतम वायु परिवहन आज वायु परिवहन तीव्रतम आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इसके बारे में आप क्या करेंगे, एक आंसर राइटिंग करेंगे। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा आगामी व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की तीव्र गति है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी की संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों के वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। विभिन्न श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार की शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार बिजनेस चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। किसमें? दूर संचार तंत्र में। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश के भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जन संचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र शामिल है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हित मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल
बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोष्टक में मिल जाए क्या आप जानते हैं, तो आप इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो बात करते हैं कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल टू आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे भारत देख लें और बांग्लादेश देख लें, इंडिया और बांग्लादेश, इनके बीच में अगर किसी वस्तु का विनिमय हो रहा, आदान प्रदान हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाएगा, है ना। तो ये क्या है, विनिमय है। यह समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गांव में होता है, राज्य स्तरीय व्यापार दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि आप अगर 10 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 9 रुपये का इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपका एक्सपोर्ट का 1 रुपये ज़्यादा है। तो क्या है, अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर भारत के लिए क्या है, अनुकूल व्यापार है जब उसको 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। अब जब आप कोई चीज़ बेचेंगे कम पैसे की और खरीदेंगे ज़्यादा की, तो आपको घाटा होगा ना, तो वो क्या है, असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न जवाहरात, यानी कि जो एक्सपोर्ट होती हैं या निर्यात होती हैं, उसमें कौन सी प्रमुख हैं, याद रखना है, रत्न है, जवाहरात हैं, रसायन है एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि संबंधित उत्पाद भी शामिल है। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। कितना पेट्रोलियम का भारत में, है ना, इम्पोर्ट हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम का, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम बहुत कम है। तथा उत्पाद रत्न जवाहरात आधारभूत धातुएं मशीनें कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में, पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। टूरिज्म, जिसको 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारि पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है दिया होगा, बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र की सेहत, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिखाई देगा। इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, गोवा के मैंग्रोव वन में पारी पर्यटन, ये सारे के भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट तैयार करें। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके सामने भौगोलिक, निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, पूर्वी पश्चिमी की ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर आपके सामने मुंबई थानापुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर था पोरबंदर, नागपुर था सिलीगुड़ी। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों द्वारा तथा देरी को घटाता है, क रेल परिवहन, ख पाइपलाइन, ग सड़क परिवहन, ज घ जल परिवहन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसमें से आपसे उत्तर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इसके बारे में बात करते हैं। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंता स्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? पूर्वी ईस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं हम, चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? क पाइपलाइन, ख सड़क परिवहन, ग रेल परिवहन, घ वायु परिवहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए चैनल को यूं ही देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने NCERT 10th क्लास की भूगोल की जो समकालीन भारत है उसको हमने आज क्या कर लिया है, पूर्ण कर दिया है। ठीक है, तो 9th और 10th दोनों की आपके पास सारे के सारे वीडियोज उपलब्ध हैं, आप इनको देखा सुन सकते हैं।